यार हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गुड्डू भैया। अबे तुम ही कुछ बताओगे। अरे भैया इतना तो दिखा चुके, अब आप ही कुछ बताइए। मोटिवेशन की कमी थी बट ये सारी बातें छोड़ो, आज हम लोग सीखेंगे यार स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड और थोड़ा बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इस बार और देखेंगे कि यार ये कैसे काम करता है। तो यार ये वीडियो तो मत ही छोड़ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल भी होगा आप लोगों के लिए ये वीडियो। सो देखते रहिए यार एंड यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा नर्ड्स बाय चॉइस को। तो यार सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अच्छा जो मैक्सिमम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे फाइन, और वेरिएबल वो कैसे डिफाइन करेंगे, वी दे सकते हैं बी दे सकते हैं और भी मतलब काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट लिखूँगा यहाँ पे ठीक है कॉमा, मैं लास्ट लिखूँगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। लास्ट लिखूँगा मैं, आप लिखूँगा सब्जेक्ट ठीक है, एंड आप लिखूँगा स्कोर। थोड़ा स्पीड स्लो है बिकॉज मेरे कमरे की लाइट ख़राब हो गई है ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या STUDSTR ठीक है वन ठीक है स्टूडेंट स्ट्रिंग वन फाइन ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर जो STUDSTR वन है इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। तो मैं एक स्ट्रिंग लिखूँगा यहाँ पर ठीक है, स्ट्रिंग में क्या दूँगा विकी ठीक है, केव इसका मैं सर नेम दे देता हूँ फाइन, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्या सब्जेक्ट जो कि मैथ्स है, एंड देन उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ इसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स आप कितने भी दे सकते हो, यहाँ पे 70 देना था 79 दे दिया ठीक है फाइन ओके। तब हम आगे बढ़ेंगे और वी एक वेरिएबल देंगे फाइन। तो वी एक जो ये वेरिएबल है वो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स से आएगा, स्टूडेंट क्या है क्लास है ठीक है। मैं चाहता हूँ ये क्लास को जाके एक्सेस करे ठीक है। तो मैं इसके अंदर अब वो सारे वेरिएबल लिखूँगा जो मैंने ऊपर लिखे थे, यानी फर्स्ट लास्ट सब्जेक्ट एंड स्कोर ओके। तो मैं यहाँ पे करूँगा फर्स्ट, देन लिखूँगा मैं यहाँ पे लास्ट, एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं सब्जेक्ट ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कोर फाइन। अच्छा ये लिखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार आप स्टूडेंट को तुम कैसे एक्सेस कर पाओगे यहाँ पे ठीक है। मैं तुम लोगों को वो चीज़ पे भी बताऊँगा ठीक है। मैं लिखूँगा वी डॉट एल ठीक है, मैं एल यूज़ कर रहा हूँ ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन ओके ठीक है। मैंने यहाँ पे रन किया, ये कह रहा है एरर, मैं अनपैक नहीं कर सकता थी सारी चीज़ों को, कहाँ गलती हो गई भाई। अच्छा ये स्टूडेंट STR में गलती हुई ठीक है। तो अरे यार जो स्टूडेंट STR है हमें यहाँ पे स्प्लिट लिखना पड़ेगा ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो फंक्शन है वो स्प्लिट हो जाए, विकी अलग हो जाए, केल अलग हो जाए, मैथ्स अलग हो जाए, 79 अलग, तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसे फाइन। और ये कोटेशन के अंदर नहीं ये होना चाहिए क्या, सिंगल कोटेशन के अंदर होना चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, रन करूँगा, यहाँ पर मुझे मिल गया केल डॉट एल मैंने यूज़ किया। और लास्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मगर यहाँ पे लास्ट अगर सपोज़ मैं लिख देता हूँ ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एट्रीब्यूट है स्टूडेंट, सब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, लास्ट कोई है ही नहीं ना सब्जेक्ट में फाइन। हम एल यूज़ करते आ रहे हैं, हम जो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेल्फ एक खाली बैग है ठीक है, उसमें तुम एल डालते हो तब कुछ नया निकल के आता है फाइन ठीक है। तो ये लास्ट ये वो ऊपर वाला लास्ट नहीं है फाइन। मैं यहाँ पे अगर एल ए एस भी लिख दूंगा ना तब भी चलेगा ठीक है, ये रुक जाओ यहाँ पे एल ए एस भी लिखना पड़ेगा ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे केल ही प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो वाला जो लास्ट है वो ऊपर वाले लास्ट से नहीं आ रहा है ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी मैं वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ ठीक है फाइन। तो और ये कुछ बहुत मतलब समझ में आ ही गया होगा, इतना बता दिया गया है। तो ये जो फर्स्ट भी है अगर मैं इसमें FIR लिख दूँ, S लिख, सिर्फ F बस लिख दूँगा तब भी ये फर्स्ट ही प्रिंट करेगा अगर मैं डॉट F करता हूँ ठीक है, क्योंकि जो डॉट के बाद जो अपन लगा रहे हैं तब अपन क्लास को एक्सेस कर रहे हैं ठीक है। डॉट के बाद अपन जब अगर नहीं लगा रहे तो मतलब अपन क्लास को एक्सेस नहीं कर रहे हैं फाइन। ये सही चीज़ें बताने वाली नहीं है बट मैं बता रहा हूँ ठीक है। अभी सारी चीज़ मैं क्या करूँगा ना कि मैं चाहूँगा कि अरे क्लास मेथड बना दूँ
ठीक है, मैं अगर ये सब करने बैठ जाऊँगा बहुत सारे बच्चों के लिए तो यार ये हो नहीं पाएगा मेरे से, ठीक है, तो मैं एक अलग से क्लास मेथड बनाऊँगा। अच्छा, ये क्लास मेथड बनाने का क्या कारण होता है, क्यों बनाते हैं यार इसको? यार देखो, एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, फाइन। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्रॉम str, ठीक है, और जैसे मैं str करूँगा तो cls अपने आप आएगा। cls क्या है? क्लास बोल रहा है ये, ठीक है, क्लास सुन डायरेक्ट class यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसे एक अलग मीनिंग हो जाएगी, फाइन। उसके बाद यहाँ पे के लिए यूज़ करूँगा stud str, ठीक है। तो यहाँ पे स्टड मत समझ लेना कि स्टूडेंट स्टड हैं, ठीक है, यहाँ पे stud का मतलब है स्टूडेंट्स नॉट स्टड, ठीक है, फाइन। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इससे मुझे इसे कॉपी करना था, मैं इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और जस्ट इसके नीचे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, फाइन, ठीक है, फाइन। अब कुछ नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट str वन था मैं उसे क्या कर दिया stud str, क्योंकि अपन वही तो यूज़ कर रहे हैं एज अ पैरामीटर में, ठीक है, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, सारी पुरानी चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही होता है कि तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, फाइन, वही कर रहे हैं अपन, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपल ये जो स्टूडेंट है मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और ऊपर जाके मतलब यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, फाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो यार मैं स्टूडेंट लिख भी सकता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, बट मैं अगर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऑफकोर्स मुझे क्लास ही यूज़ करनी चाहिए, एक मतलब एक अच्छा तरीका माना जाता है, फाइन, ठीक है। तो मैं इस क्लास को क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो आंसर है वो मेरा ये सिर्फ क्लास वाला है, ठीक है, और ये बाकी फालतू चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो मैं इसे रिटर्न कर दूँगा इस पर्टिकुलर चीज़ को। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि stud str बस मुझे रहने देना है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे उड़ा दूँगा, फाइन। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, प्रिंट कर दूँ क्या stud str? मुझे क्या अभी ये नहीं प्रिंट करना, पहले सबसे पहले तो वो डिफाइन कर दो कि ये स्टूडेंट क्लास से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि stud str को तो अभी कोई पहचानता ही नहीं है, ठीक है, जब तक मैं उसे स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं डालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, student.from str मैंने क्लास मेथड का यूज़ किया, stud str1 किया, ठीक है, स्टड स्ट्रिंग 1, फाइन। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ कि यार ये ऑब्जेक्ट जैसे स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, पे ऑब्जेक्ट जैसे स्टोर हो चुका है, फाइन। अगर मैं ऐसे ही रन कर देता stud str को तो ये ऑब्जेक्ट जैसे स्टोर नहीं होता, ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कहलाती, फाइन। तो मैं पाइथन को क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रहा हूँ, यानी मैं उसे चाहता हूँ कि वो जो स्टोर करे डेटा वो ऑब्जेक्ट के रूप में करे, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आधा काम हो चुका है। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा कि मैंने जैसे अभी तक वेरिएबल मैंने यहाँ वी दिया था, बस मैं इसे यहाँ पे वी दूंगा, और मैं चाहूँगा कि यार वी का क्या तुम प्रिंट करो, कि तुम यहाँ प्रिंट कर दो वी डॉट एल कर दो, एफ कर दो, ठीक है, फर्स्ट हो, लास्ट नेम हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं इसे अगर प्रिंट करूँगा तो मुझे एकदम सही विकी मिल गया, फाइन। तो यार ये काफ़ी, देखो काफ़ी आसान चीज़ है यार, इसमें कोई बहुत गहराई वाली बात नहीं, इतनी ज़्यादा आसान है कि यार कोई बच्चा बच्चा भी कर ले, फाइन, तो काफ़ी इजी है, ठीक है। और पता है ये पाइथन से ऐप नहीं बनते, बिकॉज यार अगर तुम पाइथन से ऐप बनाना शुरू करोगे, बिकॉज ये प्योरली वो नहीं है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए बना ही नहीं है, फाइन। तो अगर तुम इससे अगर तुम ऐप बनाओगे तो काफ़ी बड़े ऐप्स बनते हैं, ठीक है। तो वाली सारी चीज़ें तो यार बाद में बात करते हैं, सबसे पहले तो इसके आगे बात कर लेते हैं जो कि होगा स्टैटिक मेथड। और जो स्टैटिक मेथड होगा यार वो बहुत ही इजी है, जैसे अपन अभी अपन ने फंक्शंस देखे थे पिछले वीडियो में, आई बटन में मैं डाल दूंगा, जो फंक्शंस हमने देखे थे वो सेम वैसा ही है, इसमें कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, स्टैटिक मेथड में, बस मैं वो क्लास के अंदर से उसे यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट,
कुछ नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं पर रिटर्न कर दूँ अगर ए प्लस बी, तो वो ए प्लस बी ही रिटर्न करेगा मुझे। फाइन, बस अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है किससे, स्टूडेंट क्लास से। फाइन, अच्छा तो यहाँ पास एक बार मैं बता देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ एक बार, क्या स्टूडेंट डॉट ऐड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड फंक्शन का इस्तेमाल, मैं स्टूडेंट के क्लास के अंदर तो घुस गया, अब मैं चाहूँगा कि मैं ऐड को भी एक्सेस करूँ। फाइन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट, और यहाँ पे तुम जब ऐड लिखोगे तुम्हें दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तुम दो पैरामीटर्स कोई भी दे सकते हो, अगर तुमने देखा होगा अपने पुराने वीडियोस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड में देता हूँ 3.3। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहूँ ये जो विकी है ये ऊपर वाले ने प्रिंट किया है, दिस लास्ट वन इज़ व्हाट आर स्टैटिक मेथड। ओके, सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम इसे यूज़ नहीं कर सकते यार, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, हद इजी है। तो हमने स्टूडेंट से क्यों यूज़ किया, क्योंकि यार हम स्टूडेंट के अंदर है। ठीक है, तुम इसके अंदर और भी सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, कोई एक फंक्शन डिफाइन करते उसके अंदर लिख देते कि यार ये फर्स्ट लास्ट नेम जो है ये अपर में हो जाएंगे, रिटर्न कर देना अपर में, लोअर में रिटर्न कर देना है ना। तो इससे सारे जो फंक्शन है आप खुद भी बना सकते हो यार, इतने घटिया इतने आसान है कि क्या। फाइन, तो इतना ही होता है यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फाइन, तो मैं अगर यहाँ पे खाली अगर ऐड लिखता ना तो नहीं चलता, यहाँ पे मुझे एरर थ्रो करता है यार ऐड, उसे वो सिर्फ जब तक तुम स्टूडेंट के अंदर नहीं घुसोगे ना क्लास के, तब तो वो कुछ नहीं शो करेगा। फाइन यार, चलते हैं अगले वीडियो में, क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। फाइन, एंड अपना काफ़ी काम हो चुका है, सो चलते हैं। प्लीज़ सपोर्ट गाइस यार, उसी की बस कमी रहती है, एंड अगर सपोर्ट करोगे यार तो आई थिंक हम और भी नए नए वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि यार हमने सोचा था कि एंड्रॉयड ऐप से लेके मशीन लर्निंग भी सोचे थे बताने को, एंड जावा से रिलेट करके पाइथन भी मैं सिखाता तुम लोगों को। बट यार थोड़ा सा ना जो एक अच्छा रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत के बाद अगर ऐसा मिले तो दुख होता है। तो चलो छोड़ो, अपना ख्याल रखना, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड बाय बाय।